बच्चों आप सभी व्यास अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में ये नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं जिसका नाम है हमारा साक्षात्कार। ये कक्षा 12 के अंतर्गत आता है और यह 2 अंकों का होता है। इसमें साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। जो इंटरव्यू लिए जाते हैं आपने टीवी में देखा होगा, मैगजीन में देखा होगा, कितने सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनका इंटरव्यू लिया जाता है, कितने सेलिब्रिटी के बारे में बताया जाता है, हम सब उनकी जानकारी, उनके दैनिक दिनचर्या इनके बारे में कैसे जान पाते हैं, ये सब इन साक्षात्कार से जान पाते हैं। कोई बड़ा नेता होता है तो नेताओं की जानकारी, उनके कार्यों की जानकारी, जो बड़े बड़े एंकर बैठ बैठ के उनसे लेते हैं, तो वो सारी साक्षात्कार कहलाती है। आइए आज हम साक्षात्कार के बारे में पढ़ते हैं। साक्षात्कार का अर्थ होता है साक्षात करना। साक्षात मतलब होता है फेस टू फेस, आमने सामने बैठकर उससे सारी डिटेल लेना, सारी जानकारियाँ पूछना, सारी चीज़ें और बड़ी सलीके से पूछी जाती है। उसमें न तो किसी प्रकार का उछल कूद होती, ना कोई चिड़ाचिड़ी होती, कुछ भी ऐसा नहीं होता। एक प्रेम पूर्वक बातें की जाती है, पूछी जाती है और जवाब आते हैं और सभी लोग इंटरेस्ट से उस चीज़ को देखते हैं। प्रकार इसके 2 तरह के होते हैं। साक्षात्कार 2 तरह से पाया जाता है। कैसा? पहला होता है प्रतियोगी परीक्षाओं का साक्षात्कार। जैसे कोई IAS RAS या बड़े लेवल का कोई एग्ज़ाम देता है तो एग्ज़ाम में पास होने के बाद उसका इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में वो पास होने के बाद ही सेलेक्ट होता है, तो इंटरव्यू भी उसी तरीके के होते हैं। तो ये कहलाते हैं प्रतियोगी परीक्षा के साक्षात्कार। दूसरा जो होता है वो होता है जनसंचार का साक्षात्कार। जनसंचार में सारे आ जाते हैं। इसमें खेलकूद से संबंधित कोई सेलिब्रिटी हो, फिल्मों से संबंधित सेलिब्रिटी हो, या राजनीति पॉलिटिकल से संबंधित कोई सेलिब्रिटी हो, इनके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है हमको कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये कौन है, कहाँ से आए, इनका जन्म, माता पिता, ये सारी चीज़ें इन साक्षात्कार से अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाती है। और जो साक्षात्कार लेता है, जो व्यक्ति साक्षात्कार लेता है, सबसे बड़ी बात होती है कि उसमें कुछ गुण होने चाहिए। गुण क्या होने चाहिए? उन गुणों के अंतर्गत ही वो साक्षात्कार को सही मायने में ले पाता है। उसके गुण देखिए क्या होते हैं। अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण, सबसे पहले उसमें नम्रता होनी चाहिए, बड़ा सलीका होना चाहिए बात करने का। उसकी लेखन शक्ति तेज़ होनी चाहिए, जो लिखने की शक्ति होती है, जो पूछने की शक्ति होती है वो तेज़ होनी चाहिए। जिज्ञासा, हर चीज़ को जो भी वो जवाब देते हैं उनमें जानने की इच्छा होनी चाहिए, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। वाकपटु, बोलने में बड़ा चतुर होना चाहिए। अगर वो बोलने में चतुर नहीं है तो वो उससे बात ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अधिकतर कितने ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को उस समय छुपा जाते हैं, तो उसको निकलवाना वापस से, इसके लिए वाकपटु होना जरूर। तटस्थता, बराबर बने रहना, अपने मुद्दों पर बने रहना, मुद्दों से नहीं हटना। व्यवहार कुशल, वो व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसमें इतना सलीका होना चाहिए कि कोई व्यक्ति कैसा जवाब दे उसका मुंह का जो एक्सप्रेशन है वो वैसा का वैसा होना चाहिए। जैसे आपने रजत शर्मा, आपकी बात देखा होगा, कितने सलीके से वो व्यक्ति इंटरव्यू लेते, कितने सलीके से हर सेलिब्रिटी को बुलाकर उनसे सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप सारे करते हैं। तो इस तरह से साक्षात्कार लेते हैं। साक्षात्कार भी एक कला है जिसको लेना आना चाहिए। और यह सब जर्नलिज्म, पत्रकारिता से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से साक्षात्कार लिया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि साक्षात्कार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, जो आपको बता दिए गए हैं, ये सारे इनको देखने के बाद जरूर करना, अटेंड करना। और प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही इसको पूछा जाता है कि अच्छे गुणों को बताइए, साक्षात्कार कितने प्रकार के होते बताइए, साक्षात्कार किसे कहते हैं बताइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसको अच्छे से अटेंड करना और ज़्यादा समझने के लिए अपनी बुक में इस चीज़ को देखना। साक्षात्कार के बहुत सारे प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।